स्क्रीन के लाइट को किस तरह से ऑन करना है। स्क्रीन की लाइट को हम पहले ऑन करेंगे, किस तरह से ऑन करेंगे, हमने अपना एक अदद प्लास्टर नॉर्मली ले लेना है, कोई सा भी प्लास्टर ले लें। प्लास्टर लेने के बाद यहाँ पर आप इसे रख लें लाइट ऑन करने वाले कार्ड को। जब आप इस लाइट ऑन इन चीज़ों को हटा लेते हैं अभी फिलहाल हम अपने सामने से, ताकि हमारी इसमें झंझट हमें महसूस ना हो। थोड़े से मैं आपको नीचे शो करा देता हूँ, नीचे करके। अच्छा जी, ये आ गया हमारे करीब। अच्छा, इस लाइटिंग कार्ड को ना हमें चेक करना है कि ये हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने इस लैपटॉप के स्क्रीन के साथ, जिसमें वन ब्लास्टर है, एक ब्लास्टर है, एक लाइट है। ठीक है, इस एक लाइट को ऑन करने के लिए हमें बाकी के तीन पॉइंट को पहले करना पड़ेगा शॉर्ट। ये देखिए, मैंने इसके भी शॉर्ट कर दिया, इसे भी शॉर्ट कर दिया, इसे भी शॉर्ट कर दिया। सिर्फ एक को शॉर्ट नहीं किया, ये जो शॉर्ट नहीं किया है ये मैं अपने LED स्क्रीन में लगा दूंगा। बाकी कनेक्शन तो मैं आपको पहले भी शो करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा हमारा टॉपिक यही ब्लास्टर है, तो हमने सबसे पहले ग्राउंड चेक करनी है। तो ग्राउंड हमारी कौन सी है, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखिए, कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर के एक साइड पे लिखा होता है माइनस, माइनस बना होता है, उसके ऊपर निशान भी बना होता है। आपने अपने मीटर को सेट करना है कंटिन्यूटी पे। मीटर जब आपका कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे ना, आप मीटर को अपने सेट किया कंटिन्यूटी बजर, जब आप अभी से अब आप इसे आपस में शॉर्ट करेंगे प्रॉप्स को, तो बीप की आवाज़ आएगी। आपने माइनस रखनी है कैपेसिटर के माइनस पे, जहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है, यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है। अब आपने नीडल रखनी है इनके ऊपर, तो ये देखें यहाँ पे माइनस का निशान, माइनस से शॉर्ट हो रही है। तो ये तो आपकी आ गई ग्राउंड, एंड ये आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई एंड ये नेगेटिव आ गई। तो आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट टच कर दें, सोल्ड कर दें। तो मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर सोल्ड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको मिलेंगे कहाँ से? ये यहाँ आपके कार्ड के अंदर एक ब्लास्टर लगाने का ऑप्शन होता है, जो कार्ड को आपके इस लाइटिंग कार्ड को ऑन ऑफ करता है और आपके ब्राइटनेस को स्क्रीन के कम और ज़्यादा करता है। तो आपने सिंपल इधर से देख लेना 12 वोल्ट और इधर से ग्राउंड, जहाँ पे पॉजिटिव कैपेसिटर की पॉजिटिव आ रही है वहाँ पे आपने पॉजिटिव लगा देनी है, जहाँ पे कैपेसिटर की माइनस आ रही है आपने वहाँ पे माइनस लगा देनी है। ग्राउंड वाली माइनस होगी और 12 वोल्ट वाली जो है वो पॉजिटिव है। बाकी ADG एडजस्ट एंड ON ऑन एंड ऑफ आपने वन बाय वन एक दूसरे पर टच करके चेक कर लेनी है। इस तरह से आपका कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरी वीडियो को पॉज करें और रिवाइंड करें दोबारा से, और फिर चेक करें, पैक करके चेक कर लें कि मैंने क्या बोला। आपको सारी बातें इसमें समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ में आई तो दोबारा से टॉपिक को दोबारा देख लें, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है इसके हवाले से, उसे भी देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। इन तीनों को फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं इस वाली स्क्रीन के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक वायर मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है, मैं इसको भी सोल्ड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाई हुई है, यहाँ नेगेटिव लगाई हुई है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव जो है ना, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली पिन शॉर्ट हो रही है कैपेसिटर की प्लस के साथ, कैपेसिटर की प्लस के साथ शॉर्ट होती है। तो समझ लें, ये पिन ये पॉजिटिव है, कैपेसिटर के माइनस के साथ जो शॉर्ट हो रही है वो है नेगेटिव। बाकी ENA और एडजस्ट को हम वन बाय वन इधर उधर करके चेक कर सकते हैं आसानी से, हमारे ब्लास्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आराम से एक दूसरे पे टच करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, मेरी अभी पॉजिटिव की पिन निकल गई है, तो मैं इसे वापस से सोल्ड कर लेता हूँ। सोल्ड करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरा ब्लास्टर लाइट को ऑन कर रहा है, LCD की लाइट को ऑन कर रहा है। अच्छा, तो गाइज मैंने इसके 12 वोल्ट लगाए हुए हैं, 12 वोल्ट लगाने के साथ मैंने इसकी ऑन ऑफ की भी कनेक्शन किए हुए हैं, 12 वोल्ट ऑन ऑफ एडजस्ट एंड ग्राउंड।
डेट इज़ ऑल। ये सिर्फ चार कनेक्शन होते हैं आपको। मैं यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर भी आप देख सकते हैं, से यूनिवर्सल बोर्ड से जो चार कनेक्शन आ रहे हैं वो आपने यहाँ लगा देते हैं, 12 वोल्ट ऑन ऑफ एडजस्ट एंड ग्राउंड। वरना आप अपना यूनिवर्सल बोर्ड का ये जो जैक है, ये जो रेड वाला जैक है ना, इसमें सिर्फ चार पिन रहती हैं। इसमें देखें चार कनेक्शन होते हैं, 12 वोल्ट ऑन ऑफ एडजस्ट एंड ग्राउंड। एडजस्ट एंड ग्राउंड का आपने टेंशन नहीं लेनी, एडजस्ट एंड ग्राउंड आप एक दूसरे में पलट के भी लगा सकते हैं। बाकी आपका रह गया 12 वोल्ट एंड ग्राउंड, तो मैंने आपको 12 वोल्ट और ग्राउंड ढूंढना बता दिए। 12 वोल्ट और ग्राउंड ही मैटर करती है, इन्हें आप उल्टा लगा देंगे तो आपका ब्लास्ट ख़राब हो सकता है, आपका यूनिवर्सल कार्ड ख़राब हो सकता है। तो आपने सिर्फ ये देख के लगा देनी है। 12 वोल्ट की पॉजिटिव वाली पिन वो होगी जो कैपेसिटर के पॉजिटिव से आ रही होगी, जो कैपेसिटर का नेगेटिव होगा वो 12 वोल्ट का नेगेटिव होगा। बाकी ऑन एंड ऑफ एंड ग्राउंड, वो ऑन एंड ऑफ एंड एडजस्ट आप इधर उधर करके लगा सकते हैं। बीच की दो पिन होती हैं ऑन एंड ऑफ एंड ग्राउंड की, बाकी इसमें दो दो पिनें हर चीज़ के लिए दी हुई होती हैं। दो दो चीज़ें हर चीज़ के लिए, मतलब 12 वोल्ट एंड ग्राउंड के लिए डबल पिन होती हैं, बाकी ऑन एफ और एडजस्ट के लिए सिंगल सिंगल बीच की दो पिन होती है। बिल्कुल जो सेंटर में दो पिन आ रही होती है ना, जो बिल्कुल सेंटर की दो पिन है वो एडजस्ट एंड ऑन एफ के लिए होती है। तो गाइज यहाँ तक हमारा टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे ब्लास्टर के अंदर। अब आप ये देख लें, आपकी जो 12 वोल्ट की जो लाइन आ रही है वो आ रही है ये वाली, 12 वोल्ट की जो भी लाइन आ रही है वो आपने 12 वोल्ट के सामने रखनी है, 12 वोल्ट पॉजिटिव की, और ग्राउंड की ग्राउंड में ये आ रही है 12 वोल्ट पॉजिटिव ये वाली। तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देखें, हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव कहाँ पर है, आपने 12 वोल्ट पॉजिटिव के सामने इसको लगा दिया। लगाने के बाद अब आपका ब्लास्टर लाइट को, एलसीडी की लाइट को, लैपटॉप की एलसीडी की लाइट को ऑन करेगा। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन ऊपर करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं इसको सेट कर लूँ, सिर्फ आपको शो कराने के लिए थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ इसे। तो कैसे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया, और एडजस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लाइट को उस वाले ब्लास्टर में कनेक्ट कर दिया जिसे मैंने शॉर्ट नहीं किया था, बाकी सबको मैंने शॉर्ट किया हुआ तीनों को, और इसको यहाँ रखा। अभी आप गौर से देखिएगा, रिमोट सेंसर से जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा लाइट ऑन होगी, लाइट ऑन हो जाएगी। बोर्ड में पावर आ गई है, देखें यहाँ बोर्ड में पावर आ गई। Thank you.
तो गाइज यहाँ पे आपने देखा मैंने बीच के दो कनेक्शन एडजस्ट एंड ऑन एंड ऑफ के कनेक्शन को चेंज कराए। क्यों चेंज कराए? क्योंकि जब पिछली बार मैंने स्क्रीन लगाई थी, मैंने पावर जैसे ही ब्लू लाइट जैसे ही मैंने पावर इसके अंदर इन करी थी तो मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती थी। तो इस सूरत में मेरे को कन्फर्म हो गया मैंने एडजस्ट एंड ऑन एंड ऑफ के कनेक्शन उल्टे लगा दिए, तो मैंने इनको पलट दिया। पलटने के बाद अभी देखिए मेरी पावर ऑन है और मेरी स्क्रीन की लाइट बंद है। पावर ऑन है बट मेरी स्क्रीन की लाइट ऑफ है। अब देखें मैं पावर रिमोट से ऑन करता हूँ तब मेरी रिमोट से स्क्रीन की लाइट ऑन होगी। देखिए हो गई, वाइट लाइट जल गई। मैंने रिमोट से ऑन किया, मैं इसे रिमोट से ऑफ करूँगा, मेरी स्क्रीन की लाइट भी ऑफ हो जाएगी। ये देखें गाइस, देखा आपने? तो ये एक आसान तरीकेकार है आपने ब्लास्टर लगाने का। आपका ब्लास्टर इसके साथ कनेक्ट हो गया, आपकी आईआर का कनेक्शन हो गया, आपके रिमोट सेंसर आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो गाइज अब हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है LVDS। LVDS हमने किस तरह से इसके अंदर इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।